ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଣରାଜନୈତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁମର କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। ଏ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୋଦି ନିଜ ପିଲାଦିନର କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଆସିଛି। ସେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଆପନେ କଭି ସୋଚା ଥା କି ଆପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଙ୍ଗେ, କଭି ଆପନେ ସୋଚା ଥା? ଅର୍ ସୋଚା ବି ଥା ତୋ କୌନ ସେ ସାଲ ମେ କୌନ ସି ଉମର ମେ ଆପନେ ସୋଚା ଥା କି ମୈଁ ଇସ୍ ଦେଶ କୁ ଚଲାନା ଚାହୁଁଗା? କଭି ଏସା ବିଚାର ନାହିଁ ଆୟା। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକୋ କେ ମନ ମେ ବାତ ଗଲେ ନହିଁ ଉତରତି ହୈ। ଶାୟଦ ଜୋ ବନ ଜାତେ ହୋ ସବକେ ଜୀବନ ମେ ଏସା ହୋଗା। ମୈଁ ନହିଁ ମାନତା ହୁଁ କି ଏନେ କୋଈ ଏକଦମ ଫ୍ୟାମିଲି ହି ଉସି ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଲି ହୋ ଅର୍ କିସି କେ ମନ ମେ ଇଚ୍ଛା ଜଗତି ହୋ ତୋ ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେ। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया तो अपने आप ही बनते चले गए। सब कुछ जिम्मेवारी आती गई बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ ना कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जा कर के मैं भी, वो तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने अपना, अरे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारी मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ। तो मैं CM बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था। अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं, तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे, विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे, फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा। बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था,
कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था, ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। तो आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। वो तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी, मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहां मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया।